भी जा रहा हूँ अलीफ अपार्टमेंट गुलशन में, इकबाल ब्लॉक 13C में, ग्राउंड पर 6 पे प्रोजेक्ट है। और सबसे मजे की बात इसकी ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बैंकेबल, मतलब इसके ऊपर आप बैंक लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो 80% तक के कम्प्लीट हो चुका है और इसका कम्प्लीटेशन सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ फौरी तौर पर अल यूसुफ कम्फर्ट्स, तो चले मेरे साथ चलते हैं और हम वहाँ का रिव्यू करते हैं, लेट्स गो। आज हम लोग आए हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C की एक बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन पर, अल यूसुफ कम्फर्ट्स, जो कि बेहतरीन किस्म के अपार्टमेंट हैं, अल मुस्तफा हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ। हर फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव किस्म के अपार्टमेंट्स हैं, स्पेशियस कार पार्किंग है और सामने इसके शॉप्स हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको हम इसका मॉडल अपार्टमेंट दिखाते हैं, लेट्स गो। 6 फ्लोर के ऊपर हम लोग इस वक्त खड़े हैं और 6 फ्लोर के ऊपर एक अपार्टमेंट मेरे राइट हैंड साइड पे है और एक अपार्टमेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अभी हम जो चेकआउट करेंगे वो लेफ्ट साइड वाले अपार्टमेंट को करेंगे, क्योंकि हर फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं, तो हम लेफ्ट पे जाएंगे। तो लेफ्ट का, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि 2 एंट्रेंसेज हैं, एक मेन एंट्रेंस है और ये ड्राइंग रूम की बाहर से भी एंट्रेंस है और साथ ही आपके बिल्कुल एलिवेटर है, लिफ्ट से आप निकले। तो मेन एंट्रेंस से हम लोग एंटर करते हैं, ये हमारे मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस में घुसने के साथ ही हमारे पास एक स्पेशियस सा लाउंज है। 1800 स्क्वेयर फीट का ये पूरा अपार्टमेंट है, जिसमें से लाउंज है वो तकरीबन 35 फीट लंबा लाउंज है। इसके अंदर आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये लाउंज हो गया, जिसके साथ ही हमारे पास एक ये बेडरूम आ जाता है, बैलकनी भी है। अंदर आ जाएंगे तो बैलकनी जो मैं आपको व्यू करा रहा हूँ, ये हमारे पास बैल्कनी है इसकी और यहाँ से भी बहुत प्यारा सा व्यू आता है, ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन सा व्यू है। इसी तरफ लाउंज में से होटल है, यहाँ पे हमने डिजाइन किया है, आप यहाँ पर अपना सोफा डाल सकते हैं और यहाँ सामने आप अपना LED लगा के सुकून से मूवीज वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो 2 बेडरूम हमारे सामने है, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 और साथ ही इसके ये किचन है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्पेस है, आप देख सकते हैं कितना कितनी बड़ी स्पेस है। आपको बेडरूम नंबर 3 दिखा रहे हैं, अच्छा हवादार और रोशनी वाला बेडरूम है ये। इस बेडरूम के साथ भी एक बैल्कनी है और ये बैल्कनी खुलती है प्रोजेक्ट के फ्रंट पे। ये आपके सामने रोड है, रोड का व्यू है, सारी चीजें नजदीक हैं और इसी के साथ ये जो बैल्कनी है ये शेयर्ड बैल्कनी है, तो एक रूम से आप निकल के बैल्कनी के जरिए दूसरे रूम में जा सकते हैं। तो हम यूं पूरा घूम के आ रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं ये हमारा दूसरा बेडरूम है, ये भी स्पेशियस बेडरूम है। दोबारा से अपने लाउंज की तरफ, तो ये हमारा इतना लंबा लाउंज है कि यहाँ पे हम आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अपार्टमेंट, इसके बाद मैं आपको ऊपर रूफ की तरफ लेके चलता हूँ। तो अब हम चलते हैं, आपको थोड़ा सा 1 मिनट, हमारा ड्राइंग रूम रह गया है, इस पूरी जगह को दिखा दिया हमने लेकिन अभी भी एक कमरा रह गया है ड्राइंग रूम। पहले हम आपको दिखा दें ड्राइंग रूम, अगर हम इसको भी यूज में ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम एक और 2 फिक्स कर देते हैं तो हमारे ड्राइंग रूम खत्म होके एक बेडरूम की जगह और हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा अपार्टमेंट 4 बेडरूम लाउंज बन जाता है। बैक पे मेरे बैतुल मुकर्रम मस्जिद का व्यू आता है, अगर मैं इस वाली विंडो से देखूं तो बैतुल मुकर्रम मस्जिद और यूनिवर्सिटी का व्यू मुझे आता है। और इसके साथ अब हम चलते हैं छत की तरफ, छत पे चल के देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या स्पेस है, कितना कितना हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आजो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक रूम तो मेरे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ, और काफ़ी बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ी स्पेस है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक अच्छी सी पार्टी, अच्छी सी बारबेक्यू का सेटअप या कोई बर्थडे की सेलिब्रेशन 50-60 लोगों की आराम से यहाँ पे गुंजाइश है, जो कि यहाँ पे हो सकती है। ये एक फ्लैट के लिए, और जो दूसरे फ्लैट वाले बनने के लिए वो रूफ यहाँ पर है। तो ये
कंबाइन रूफ नहीं है, ये कंबाइन रूफ नहीं है बल्कि ये सेपरेट सेपरेट रूफ है। और अगर आपकी अपने नेबर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती, दोनों को मिला के भी अपनी सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। तो ये था अल यूसुफ कंफर्ट्स, जो कि बहुत मॉडर्न, बहुत लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं इन द हार्ट ऑफ सिटी। हर चीज़ यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे, उर्दू यूनिवर्सिटी मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, नेशनल स्टेडियम मुझे नज़र आ रहा है, कराची यूनिवर्सिटी 5 मिनट की ड्राइव पे, सिविक सेंटर 5 मिनट की ड्राइव पे, एक्सपो सेंटर 5 मिनट की ड्राइव पे। तो बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल सिटी के वस्त में वाकई है ये अल यूसुफ कम्फर्ट, जो कि इंतहाई मुनासिब कीमत पर है। तो मुझको इजाज़त दीजिए। तो मेरे अजीज अहमदनों, अब मैं वापस आ चुका हूँ, बहुत अच्छा रिव्यू रहा, प्रॉपर्टी रिव्यू, और इसी तरह के रिव्यूज़ हम आपको देते रहेंगे अपने किसी अगले व्लॉग में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।